सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। झारखंड विकास मोर्चा का विलय हो गया मान लिया जाए। विलय हो गया, अब अपना छाप बचाने के चक्कर में लगे हुए विलय हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है, ये सत्य की जीत है, ये जलटेगंज विधानसभा मंडरिया की जनता की जीत है। ये सियासत है साहब, यहाँ सच की आंच पर राजनीति की रोटी पकती है। मगर कहते हैं ना, कायदे कानून किसी की जागीर नहीं होती। ये फलसफा है वक्त का, किनारे लग ही जाती है। जहाँ जश्न जीत का रंग गुलाल सरंगा और फूलों से लदा मिलेगा। ये बातें तब निकली है जब मेदिनीनगर राजनीति के युवराज विधायक प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता और ट्विंकल ने अलौकिक जीत पाए दागी के दाग से उभरे विधायक आलोक का जोरदार स्वागत किया। विधानसभा कोर्ट में बरी हुए झायुमो को भाजपा में विलय कराने वाले मेदिनीनगर भंडरिया विधायक अलचुसिया जब गृह जिला पहुंचे तो रांची रोड से ही विधायक प्रतिनिधि ट्विंकल गुप्ता की अगुवाई में स्वागत का दौर शुरू हो गया। विश्वास के सहारे युवा विधायक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों को जनता के सामने सच्चाई का झंडा बुलंद रखने का सहारा मिल गया। जहाँ साबित हो गया कि राजनीति में आरोप लगाना तो विपक्षी खेमे का काम है, पर न्याय के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सत्य की हमेशा जीत होती है। ये अपने क्षेत्र में इतना विकास कर रहे थे कि लोग घबरा के इनके प्रति लोगों ने मुकदमा पर मुकदमा करने के लोग मजबूर हुए, क्योंकि इनके विकास देख के ये गरीब गुरबे के ये हर तबका के लोगों को इतने वर्क और कार्य कर रहे थे, डाल्टनगंज विकास की झड़ी नजर आ रही थी। लोगों ने देखा कि इन्हें क्यों ना गुमराह करके केस के माध्यम से इन्हें डिस्टर्ब किया जाए। जनता के हित के लिए राजनीतिक कदम उठाने का दंभ भरने वाले दल बदल कानून का शिकार विधायक आलोक को जहां राहत मिली है, वहीं अब मुखर होकर बातें सियासती हो चुकी है। इसमें सत्ताधारी के बढ़ते कुंबे की तस्वीर को बल मिला है। जहां उम्मीदों का संसार फिर से राज कायम करने के लिए व्याकुल है, दावा है सरकार बनाते रहेंगे, विकास करते रहेंगे। तंत्र की लड़ाई है, और अच्छा काम करने वाला के व्यक्ति मतलब अच्छा करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपने राजहित में, अपने क्षेत्र हित में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, एवीएम को विलय करा लिया हम लोगों ने। और इसमें हम लोग का ही था कि भाई हमारा क्षेत्र का उत्थान हो जाए। डाल्टनगंज विधानसभा जो आज वर्षों से पीछे था, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ था, उस कार्य में प्रगति आए, उसको लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और निश्चित तौर पर हमारे जो आज फैसले आए, उस फैसले से मैं, क्योंकि हरदम न्याय का जीत होता है, सत्यमेव जयते आप सुने होंगे उसका जीत होता है, हम लोगों ने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया था जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। हम लोगों ने अच्छे कदम के साथ आने वाला राजनीति को राज्य के हित के लिए और क्षेत्र हित के लिए हम लोगों ने इतने बड़े निर्णय लेने का काम किया। जो फैसले कल आए, उस फैसले से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक सच्चे सोच के साथ अच्छे फैसले देने के काम किया। कैपिटल न्यूज से बातचीत में विधायक ने कहा कि झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है। जनता को गुमराह करने, विकास को अवरोध करने के लिए सिर्फ झूठा मुकदमा लादा गया और भरमाया गया कि सरकार की बुनियाद कमजोर है। मगर अब सच से पर्दा उठ गया, झूठ बेनकाब हुआ, सच की जीत हुई। झारखंड विकास मोर्चा का विलय हो गया मान लिया जाए। विलय हो गया, विलय हो गया, अपना छाप बचाने के चक्कर में लगे हुए विलय हो गया। देखिए हमारे ऊपर दो दो केस हुआ, अभी ये केस अभी हाई कोर्ट में चल ही रहा है। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि हम आपको पहले भी बोले कि हरदम न्याय का जीत होता है, और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस तरह का इस केस में हम तमाम छह विधायकों ने पूरे मजबूती से लड़ा और इसको हम लोग जीतने का काम किया, उसी तरीके से मैं वो भी केस, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर अगर केस करता है, वो क्षेत्र के लाभ के लिए नहीं केस किया है या किसी और अथी के लिए, मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करता हूँ ऐसे व्यक्ति का, तो मैं ऐसी कहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए एक प्रतिनिधि बनने के बाद, एक जनता की सेवा करने के लिए जो जनता जिम्मेवारी दिया, उसके बाद जो हमारे ऊपर आरोप लगा, मैं निश्चित तौर पर आज मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता हूँ, लोगों के विकास के लिए कार्य करता हूँ। अब आज पुनः मैं आपसे बता देता हूँ कि आने वाला दिन भी हमारी होगी, अब पूरे मजबूती के साथ आने वाला लोकसभा के चुनाव जीतेंगे, और आने वाला दिन विधानसभा के भी चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। जिनके मेहनत और विश्वास ने सर पर सेहरा सजाया, उन कर्ता धर्ताओं के लिए तो राहत की बात हो गई। उनका विधायक दागी नहीं है,
हाँ बागी हो सकता है जनहित के लिए, मगर इस बगावत में लोक कल्याण का दावे हैं तो अब वादे होंगे कि विकास का पहिया थमा नहीं है, अधूरे काम को पूरा करेंगे। ये बल तो मिला ही है कार्यकर्ताओं को, जिनमें उत्साह बढ़ा है, अब उमंग से लवरेज होकर काम करेंगे। उनका नेता पाक साफ जो साबित हुआ है। लोगों ने देखा कि इन्हें क्यों ना गुमराह करके केस के माध्यम से इन्हें डिस्टर्ब किया जाए, ताकि जितना इस क्षेत्र केस के माध्यम से अपना डिस्टर्ब रहेंगे, आना जाना इनका हमेशा हाईकोर्ट डाल्टिंग होते रहेगा, क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से लोगों ने इन्हें फंसाने का कार्य किया था, जिसके चलते आज हमारे जो फैसला आया इन जो सही था इसके उन्होंने सही का उनको फैसला दिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है, ये सत्य की जीत है, ये डाल्टनगंज विधानसभा भंडरिया की जनता की जीत है। बहरहाल झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के सदन कोर्ट ने झायुमो से बागी 6 विधायकों के हित में याचिका रद्द कर दी है और अब मांग उठी है कि जीवीएम का कंघी छाप रद्द कर दी जाए। मगर सियासत के खेल में युवा विधायक ने 2019 की पहली जंग जीत ली, हालांकि अभी और जीत बाकी है। बस विधायक प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता और ट्विंकल जैसे साथी का बल मिलता रहे, विजय तिलक तो लगता ही रहेगा। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।